मामला नागौर थाना अंतर्गत पोंडी पतौरा गांव का है, जहां सगरा तालाब के पास रमाकांत द्विवेदी के खेत में मजदूर धान लगा रहे थे। तभी मजदूर युवा आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिन्हें प्राइवेट वाहनों से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के नाम अंजना यादव, प्राची यादव व राजकरण कुशवाहा बताए जा रहे हैं। वहीं कल्पना यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। आकाशीय बिजली का प्रकोप इतना ज्यादा था कि खेत में धान लगा रहे युवक युवतियों के अलावा पेड़ में बैठे कई पक्षियों की भी मौत हो गई। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। थोड़ी विराट पानी भी गया, पानी गिरते रह गया, इसके बाद में गर्जा और वह पेड़ तरी वहीं से ही रोटी खा के ही अब बस हरी भर रही, बैठिन रही, पानी गिरे लाल तो वहीं से नीचे लुटी रही। एक माही कहाँ की बात है ये? पतौरा, ये रहने वाले कहाँ? सगरा तालाब, सगरा तालाब, पतौरा के सगरा तालाब। हाँ, क्या बजे की बात है? कितने लोग? ये डेढ़ 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 दिन के बीच में है। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? इन्हें 3। क्या नाम उनके? नाम नाम बताइए। नाम तो मेरे को अभी मालूम नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ये घटना हुई है कि जो रोपा लगा रहे थे मजदूर, हमारी वहाँ भतीजी हुई साथ में थी, तो हम लोग जैसे वहाँ पता चला कि गाज गिर गई, तो देखे तो वहाँ पर पहले लोग भी होते। क्या नाम है मृतकों के? हमारी भतीजी का नाम अंजना यादव, प्राची यादव, राजकरण यादव, बालक कुशवाहा। जो ये सीरियस है, घायल है, उसका क्या नाम है? वो बच्ची भांजी है मेरी, नाम मालूम है, अंदर सीरियस। कल्पना यादव। मतलब ये एक ही परिवार से हैं क्या? सब एक ही परिवार से। तो लड़का का नाम कुशवाहा बता रहे हैं? मैं कुशवाहा है, एक चित्र जाता जो लड़का वक्त खत्म हुआ है। ये खास रहने वाले कहाँ के हैं? ये सब पतौरा के हैं सर। पतौरा के हैं? यहाँ एकदम आमने सामने सबका घर है, आमने सामने सबका घर है, इकट्ठा एक लोग। ये घटना मेन कहाँ हुई है? ये हुई है पतौरा के सगरा तालाब के पास। ठीक, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? राम अवतार यादव। ठीक।